मैं वैशाली, स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और आज मैं आपको एक सब्जी सिखाने जा रही हूँ, पालक की सब्जी, जिसको पालक बाहर बोलते हैं। हम चीज का यूज करके इसमें कुछ अलग ट्विस्ट लाएंगे, तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए ये पालक, जो मैंने थोड़ा सा ब्लांच करके रखा हुआ है। इसकी डंडियों को आप चेक करके देखना, जब ये ब्लांच होता है तो ऐसे टूटनी चाहिए। और थोड़ी सी डंडियाँ भी हमें इसमें चाहिए, तो मैंने पहले से इसको ब्लांच करके ठंडे पानी में रखा हुआ है। फिर उसके लिए हमें चाहिए मिक्स कटी हुई सब्जियाँ, जिसमें फ्रेंच बीन्स हैं, गाजर हैं, फ्लावर हैं, कैबेज हैं और थोड़े से पीज हैं, जो सारे मैंने मिक्स यहाँ पर रखे हुए हैं धो के। एक कटा हुआ टमाटर, दो छोटी कटी हुई प्याज, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ा मोटा दरदरा कूटा हुआ लहसुन है, एक बड़ा बल्ब लिया है मैंने इसमें, थोड़ी सी ये लाल मिर्च है जो फ्रेश है लेकिन लाल पड़े मिर्च है, थोड़े से जीरा, एक चीज़ क्यूब चाहिए हमें, ये मार्केट में मिल जाता है, थोड़े से पनीर के टुकड़े हमें चाहिए इसमें। यहाँ पे हमने लिया है चीनी, एक चम्मच यूज़ करेंगे हम, और ये यहाँ पर कंपल्सरी है। एक चम्मच हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे टेस्ट के अनुसार, और ये है हल्दी पाउडर, ये मैंने लिया है यहाँ पे किचन किंग मसाला, जो सुहाना का यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ, और एक चम्मच यूज़ करेंगे हम सुहाना का सुपर गर्म मसाला। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गर्म करने रख दिया था, एक बड़ा बाउल मैंने ऑयल यहाँ पर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अब डालेंगे ये लाल मिर्च, अब मैं डालूंगी, मैंने डाला है इसमें अदरक, अब डालूंगी मैं प्याज, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, अब हम इसमें टमाटर और ये सब्जियां डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच किचन किंग पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर सुहाना का लिया है मैंने यहाँ पे, इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम पूरी सब्जी के हिसाब से डालेंगे, डालेंगे आधा चम्मच चीनी, अब हम डालेंगे ये पनीर के टुकड़े, अब इन सब्जियों को हम ढककर पकाएंगे थोड़ी देर, तब तक हम पालक का पेस्ट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस पालक को ठंडे पानी से निकाल लेते हैं और मिक्सी के जार में इसका पेस्ट बना लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बनाना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पालक का प्यूरे तैयार किया है। अब चलिए सब्जियों को चेक कर लेते हैं एक बार। सब्जियां हमारे ऑयल में पूरी तरह से पक चुकी हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे पालक का प्यूरे जो हमने अभी अभी बनाया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी बन गई क्या। तो यह हमारी पालक बहार अब रेडी है,
इसमें हम थोड़ा सा, जो मैंने चीज क्यूब आपको दिखाया था उसमें से आधा चीज क्यूब हम इसमें कद्दूकस करके डाल रहे हैं। देखिए आधा चीज हमने इसमें ग्रेट करके डाल दिया है, आधे को हम ऊपर से सजाने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी के घर में पालक बच्चों को पसंद नहीं है तो वो बहने ये ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा है पालक तो ये इस तरीके से ज़रूर खाएगा, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब हम ये हमारी ये सब्ज़ी रेडी है, तो हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी ये पालक बहार, चीजी पालक बहार। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर कोई मेरी फ्रेंड एक टिपिकल कोई रेसिपी सीखना चाहती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए, मैं वो सब्ज़ी भी आपको दिखाऊंगी और इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।